चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भाजपा की विदाई तय है। 1 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को दिन के पहले प्रहर में भाजपा की विदाई हरियाणा की जनता प्रभु और वाहेगुरु के आशीर्वाद से कर देंगे। हरियाणा ने 10 साल घोर अन्याय सहा है। गठबंधन चुनाव की समर में उतरा है, पर ये चुनाव केवल और केवल सरकार बदलने का नहीं, सत्ता बदलने का नहीं, भाजपा की क्रूर अमानवीय और भ्रष्टाचारी सत्ता के परिवर्तन का भी चुनाव है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भाजपा की विदाई तय है और 1 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को दिन के पहले प्रहर में भाजपा की विदाई हरियाणा की जनता प्रभु और वाहेगुरु के आशीर्वाद से कर देंगे। हरियाणा ने 10 साल घोर अन्याय सहा है। हरियाणा के किसानों और खेत मजदूरों के रास्ते में भाजपा और भाजपा जजपा की सरकारों ने शूल, नश्तर, पत्थर, भाले, गंडासे, अश्रु गैस और गोलियां तक चलाई, 700 किसानों की शहादत ली। भाजपा के हाथ 700 किसानों के खून से रंगे हैं, इसका न्याय होगा। हरियाणा के युवा 47 बार पेपर लीक के शिकार हुए, अब तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं और बीए का पेपर भी हरियाणा में मंडी लगाकर बिकता है। ये पर्ची भी और खर्ची भी वाली सरकार है और भर्ती रोको गैंग सरकार के असली मुखिया खुद हैं, जो बार बार खामियां छोड़कर सारी भर्तियों को कोर्ट के अंदर उलझा कर रखते हैं और बच्चों को लुटवाते हैं। हरियाणा का गरीब और शोषित वर्ग, खास तौर से हरियाणा का वाल्मीकि, हरियाणा के रविदासिया भाई बहन, हरियाणा के पिछड़े वर्गों के साथी, वो सरकार की जातियों और भेदभाव को माफ करने वाले नहीं। और हरियाणा में जिस प्रकार से 10 साल में सरकार ने बार बार लाठी और गोली का शासन किया, याद करिए आरक्षण आंदोलन में सैकड़ों लोगों की जाने गई, संपत्तियां लूटी, पर क्या किसी को न्याय मिला? आज 10 साल बीत जाने पर भी कोई न्याय नहीं मिला। याद करिए वो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों पर की गई फायरिंग और लाठीचार्ज हो, वो बाबा रामपाल के अनुयायियों पर की गई फायरिंग और लाठीचार्ज हो, वो इन दोनों डेरों के अनेकों दर्जनों शायद अनुयायियों की हत्या हो, वो हरियाणा के किसानों पर चलाई गई गोलियां हो, वो हरियाणा के सरपंचों और कर्मचारियों के सीने पर चलाई गई लाठियां हो, वो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर पर किया गया पुलिस का दमन चक्र हो, वो रोजगार मांगते नौजवानों को पुलिस के घोड़ों की टापों के नीचे एक तरह से रोंदने का काम करने वाला कुकृत्य हो, हरियाणा के लोग भाजपा के अहंकार को भूले नहीं है और वोट की चोट से जवाब देंगे। चुनावी महायज्ञ के अंदर क्या तमाम कांग्रेस नेता एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं? हर कांग्रेसी केवल और केवल कांग्रेस के लिए काम करेगा, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये अटकलें और कयास बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस का पंजा और वो हाथ जिससे काम मिलता है, वो हाथ दोबारा हरियाणा की बागडोर संभाले और हम सब उसके लिए काम करेंगे। विनेश फोगाट के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। विनेश फोगाट केवल हरियाणा की बेटी नहीं, वो इस देश की वो जाबाज खिलाड़ी है जिसने पूरी मोदी सरकार से लड़कर, सरकार के तंत्र से लड़कर भेदभाव खड़े करने वाले हिंदुस्तान की सरकार में बैठे मठाधीशों की सत्ता से लड़कर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, सिल्वर मेडल पाया। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं। जब विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिल गया था, जब वो कुश्ती जीत चुकी थी, तो
मोदी सरकार ने वो सिल्वर मेडल क्यों नहीं दिलवाया? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं रूस का युद्ध रुकवा सकता हूं, ये तो एक सिल्वर मेडल था। प्रधानमंत्री जी चाहते तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन से बात करते, हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुद वहां जाना चाहिए था, क्या वो गए? हिंदुस्तान के खेल मंत्री को वहां जाना चाहिए था, क्या वो गए? क्या इन्होंने विनेश फोगाट को एक वकील तक की सेवाएं दी? फ्रांस के बगैर पैसे लिए वकीलों ने विनेश फोगाट की वकालत की। उस बेटी के आंसू सही हैं, उस बेटी के आंसू जैसे सीता माँ के लिए कभी धरती फट पड़ी थी ना, ऐसे ही वो आंसू धरती फाड़ कर भाजपा का अहंकार तोड़ने का काम करेंगे। देखिए, एक ऐसी सरकार जो नाजायज सरकार थी, अल्पमत में थी, वो अब ढोल की पोल पीट रही है, वो फटे हुए ढोल है। मुझे बताइए, 10 साल आपने ये फैसले क्यों नहीं लिए? जब आपकी सरकार चली गई उस दिन आप फैसले ले रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? या तो आप समझते हो हरियाणा के हम लोग बेवकूफ हैं, पर हम हैं नहीं। बेवकूफ वो हैं जो हरियाणवियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेटी की बात करें तो पिछली बार भी इस पर पार्टी में, ये पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कांग्रेस की चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति इस बात का निर्णय, जो आदेश जारी किया, समाज के लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से कैसे महरूम कर सकते हैं? अगर छुआछूत थी सदियों से, आज तो मैं और राजेंद्र भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं, पर यह सच है कि वाल्मीकि समाज के साथ, रविदासिया समाज के साथ, सहसी और धाणक समाज के साथ, कोड समाज के साथ सदियों से, हजारों साल से छुआछूत और भेदभाव चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उन्हें सामाजिक तौर से बराबरी का दर्जा दिया जा सके। भाजपा की विदाई का समय, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 साल के बाद हरियाणा के लोग अब भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बिकते हुए पेपर और गरीब के शोषण से मुक्ति चाहते हैं, और 1 अक्टूबर जो है वो आजादी के पर्व की तरह मनाया जाएगा। विनेश फोगाट अभी भारत पहुंची और भावुक हो गई जी। विनेश फोगाट जो है वो इस देश की बेटी है, हरियाणा की बेटी है। उसके साथ जो साजिश हुई उनका भारत, पहले तो मैं कहूंगा भारत में बहुत बहुत स्वागत, उनकी सरजमी पर उनका स्थान हा है और हमेशा रहेगा। हमारे लिए विनेश फोगाट जो है वो सबसे गौरवशाली खिलाड़ी भी है और सबसे गौरवशाली बेटी भी। जिस शौर्य और धैर्य का परिचय उन्होंने दिया है वो बेजोड़ है, और उनके खिलाफ जो साजिश हुई उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।